वेलकम टू जायरा किचन। आज मैं लेके आई हूँ अक्षय तृतीया पे बनने वाला गेहूं का घी। अगर आपके आसपास के बाजार में ये बना बनाया नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से इसे जरूर बना के देखें। मैंने यहाँ पर 2 किलो गेहूं लिए हैं। अगर आप पहली बार खीच बना रहे हैं तो आप इसे कम मात्रा में बनाएं। मैंने गेहूं को अच्छे से देख लिया है कि इसमें कोई कंकर वगैरह नहीं हो। अब मैं इसको हल्के हल्के पानी डालकर इसे गीला करूंगी। पानी केवल मैं इतना ही डालूंगी जिससे कि गेहूं गीले हो जाए। आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपको गेहूं को पहले सुखाना पड़ेगा, फिर उसे मिक्सी में पीसना पड़ेगा। गेहूं को आप गीला करके ढककर 1 घंटे के लिए रख दी। गेहूं को गीला इसलिए किया जाता है ताकि उसका छिलका सॉफ्ट हो जाए और आसानी से उतर जाए। 1 घंटे बाद जब मैं गेहूँ को चेक करूँगी तो मेरे गेहूं पूरी तरीके से सूख चुके हैं, लेकिन गेहूं को पीसने के लिए इनमें मॉइस्चर होना ज़रूरी है, वरना इनके छिलके नहीं उतरेंगे। तो मैं जब मिक्सर के जार में गेहूं डालूंगी तो इनमें पानी स्प्रिंकल कर दूंगी। अब मैंने मिक्सी के जार में आधे से भी कम गेहूं डाले हैं और उन पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब मैं मिक्सी को रुक रुक के चलाऊँगी। हमें एकदम से लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है, हमें मिक्सी को रुक रुक के चलाना है जिससे कि उसके छिलके उतर जाए और हमारे गेहूं भी नहीं टूटे। ये देखिए, जब मिक्सी को आप इस तरीके से चलाएंगे तो छिलके अलग हो जाएंगे और गेहूं अलग हो जाएंगे। पुराने ज़माने में खीच बनाने के लिए हमाम दस्ते में गेहूं को डालकर धीरे धीरे कूटा जाता था जिससे उनका छिलका अलग हो जाता था। अब हम इन गेहूं को सुखा देंगे। जैसे जैसे गेहूं सूखेंगे हमारे छिलके आसानी से अलग हो जाएंगे। अब मैं इस तरीके से सारे गेहूं को पीस लूंगी और उसे एक बड़े बर्तन में डालकर निकाल दूंगी। जब मेरे सारे गेहूं पिस जाएंगे तो मैं इसे कॉटन की साड़ी पर अच्छे से सुखा दूंगी। पुराने ज़माने में लोग बोरी पर गेहूं को सुखाते थे और बोरी को गेहूं पर रगड़ते थे जिससे छिलका अपने आप अलग हो जाता था। मैंने सारे गेहूं को मिक्सी में पीस लिया है और एक कॉटन की साड़ी पर 2 घंटे के लिए इन्हें सुखा दिया है। 2 घंटे के बाद हम इनके छिलके अलग करेंगे। 2-3 घंटे पंखे की हवा में सूखने के बाद हमें गेहूं को दोनों हथेलियों के बीच में डालकर इस तरीके से मसलना होगा। इससे छिलके थोड़े निकल जाएंगे। उसके बाद आप आटा छानने वाली छलनी से इसे छान लीजिए, थोड़े छिलके उससे भी उतर जाएंगे। और सबसे ज़रूरी और सबसे आसान, आप थाली में डालकर गेहूं को फटक लीजिए, इससे सारे छिलके निकल जाएंगे और आपका खीच बन के तैयार हो जाएगा। छिलके उतरने के बाद गेहूं बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बहुत जल्दी पक जाता है। 2 किलो गेहूं से ये इतना खीच बन के तैयार हुआ है और ये इतना छिलका निकला है। थोड़ा बहुत छिलका फटकने से हवा में उड़ गया था और खीच में से मैंने 1.5 कटोरी खीच बना लिया है। इस तरीके से ये छिलका निकलता है। ये देखिए छिलका कितना सॉफ्ट है। और ये हमारा खीच बन के तैयार हुआ है। अगर आपको खीच थोड़ा मोटा लगे तो आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। अक्षय तृतीया पर राजस्थान में खीच के साथ साबुत मूंग डालकर बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।